वेलकम बैक टू माय चैनल जी ओ एन ए जी वन। जो मैंने मेड इन इंडिया वाली वीडियो बनाई थी उसमें हमने स्वदेशी प्रोडक्ट स्वदेशी ब्रांड यूज करने का देश की जनता को हमने एक आह्वान किया था। क्या आह्वान की बात कर रहा है? खुद का मोबाइल देखा है क्या? कर कुछ ढंग के एप्लीकेशन बनाओ।
इतना पढ़ाया लिखाया, किस लिए पढ़ाया लिखाया? दूसरों की सेवा करने के लिए, इंडिया के लोगों की भी सेवा करो, कमाइए ना, दूसरे कमा रहे तो तुम नहीं कमाएंगे क्या? अरे इन सबका जो सेल है ना सबसे ज़्यादा इंडिया में, क्योंकि इतने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले जो जनता है वो सब इंडिया की है, इतना एक्टिव तुम्हारे को कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। मैक्सिमम टाइम टिकटॉक, व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही दिखता था, हमेशा ऑनलाइन रहता था, इसलिए मैं बोलता हूँ बनाइए, जरा ढंग के एप्लीकेशन बनाइए, फालतू में आपका नॉलेज इधर उधर वेस्ट मत कीजिए, कुछ तो कंपनी देती है, कंपनी यहाँ पे और काम कर रही विदेश में। अच्छा वो गलत नहीं क्या, उसका उधर से पैसा इधर आता है क्या? सॉरी सॉरी, अरे बाहर भी काम करो और इधर भी काम करो, पर इधर के लिए लोगों के लिए भी एप्लीकेशन ऐसे ढंग के बना के रखो। अभी एक एप्लीकेशन मैंने इंडिया का डाउनलोड किया था, टिकटॉक जैसा समझ के उस पर वीडियो देख रहा हूँ मैं, वीडियो देख, पहले तो सब एकदम रंगीन, इतना रंगीन एप्लीकेशन रहता है कि उसमें चश्मा लगा के ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ता है, काला चश्मा लगा के, इतना कलर पर आँखों को चुभता है, एक घर का कलर हो, एक दो कलर बहुत हो गए, ऐसे लगता है जैसे होली खेल रहा हूँ मोबाइल पे, ऐसे मत बनाओ, एप्लीकेशन बनाओ आँखों को भी सुटेबल लगे, ज़्यादा उसमें कलरफुल मत बनाओ, मस्त टकाटक एप्लीकेशन बनाओ और छा जाओ साला पूरी इंडिया पे, ऐसा छाओ, ऐसा इंडिया पे छाओ कि बस छा जाओ, क्या बोलूँ मैं, छा जाओ बस। और जो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा उस पर वीडियो बनाएगा उसको भी कुछ इनकम सोर्स जनरेट करने की कोशिश करो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज बनाए, लोग उसमें फिर एंगेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर दो पैसे किसी को भी मिलेगा तो एंगेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि टिकटॉक के ओनर ने कुछ कहा था कि बोले इंडिया में, मैंने तो ये एप्लीकेशन बोले बेरोजगार लोगों के लिए बनाया था और इंडिया में इतने बेरोजगार है, बोले मुझे पता नहीं था, बोले अगर कुछ लोग हमारे खिलाफ इस तरीके से बोल रहे हैं, जल्दी नहीं क्या यार, मैं तो वोट डालूंगा मैं पूरा, क्या करूँगा वोट डालूंगा। और कुछ लोगों के मैंने ऐसे मैसेज देखे जो बोलते कि अगर विदेश से माल इंडिया में आएगा ही नहीं तो हम विदेशी माल परचेस क्यों करेंगे? अरे भाई, कुछ वर्ल्ड वाइड कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, हमने इंडिया वालों ने कई कई जगह ऐसे हस्ताक्षर कर दिए कि जिस वजह से हमको बाहर से माल हम इम्पोर्ट करना बंद नहीं कर सकते, सामने वाली कंपनी को मना नहीं कर सकते कि भाई तू इंडिया में आके माल मत दे, पर हम इंडिया के लोगों को तो ये फोर्स नहीं कर सकते ना कि भाई तुम माल लो, तुम माल लेना बंद कर दोगे तो वो आएगा ही क्यों बेचने को? हाँ कुछ आप पे अपन बोलते नहीं कि मराठी में काट खा दो मजा होती, जरा अगर तुम्हारे पे कोई काट खा रहा है तो वो एरिया छोड़ देंगे, तुम वैसा अगर अपन उस पर काट खा रहे तो वो अपना एरिया छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक वो दूसरी जगह बेचेगा, इंडिया में नहीं आएगा वो बेचने को, समझे? तो ऐसा कुछ भी मैसेज मत फैलाओ कि तुम इंडिया अगर माल ही नहीं मंगाएगा तो हम खरीदेंगे काहे को, भाई इंडियन हो, इंडियन जैसी बातें करो, ये बातें अच्छी नहीं लगती, तुमने मंगाया है ये तो हमको खरीदेंगे यार, तो पैसा तेरा तो, फिर इंडिया में तेरे को दूसरा मटेरियल ही नहीं है उसके अलावा लेने के लिए, दूसरी कोई इंडिया की कंपनी नहीं है। अभी मैंने सब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लाए, शैम्पू, फेस वॉश, साबुन, सब बदल डाला मैंने, सब मेड इन इंडिया लेके आया बाबा का, यूज करूँगा, अच्छा नहीं लगेगा तो उसको कुछ सजेशन दूंगा कि भाई भाई ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा ऐसा ऐसा चेंजेस कर, वो तो फॉरेन की कंपनी में ऐसी क्वालिटी मिलती थी, तुम थोड़ी ऐसी क्वालिटी दो, देंगे ना कोई करेंगे ना कुछ तुम्हारे, तुम भी सीखा थोड़ी ले रहे हो, पैसे देखे ले रहे हो, ओके के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, अच्छी अच्छी कमेंट कर सकते हो, और अगर चाहते हो कि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, मजा आएगा ऐसा तुम। और अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो इसको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जो भी तुम्हारे एप्लीकेशन रहेंगे उस पर शेयर करो, फैला दो सारा।
जीवन बाबा को दो आई।